बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ही जमान में रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। अपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आज हम बना रहे हैं टी टाइम्स पोटैटो बाइट्स रेडी कर रहे हैं। 300 ग्राम आलू लेके हमने उनको बॉयल कर लिया है। बॉयल करके फिर हमने ब्रीक क्रशर से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से कि इसके अंदर कोई मोटा आलू नहीं रहता। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक नॉन स्टिक पैन को हमने चूल्हे पे रखा है और हल्की सी आंच जला ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं। 3 जवे लहसुन के हैं, उन्हें क्रशर से ब्रीक क्रश कर लिया है। इनको हल्का सा हमने गोल्डन करना है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हल्का सा भून लें। 1 कप सूजी का है, मिक्सी के जार में डाल के इसको हमने 1-2 मिनट चला के इसको ब्रेक कर लें। थोड़ी थोड़ी सूजी इसमें शामिल करते जाएं, इसको भूनते जाएं। 3 से 4 मिनट इसको हल्की आंच पे हमने भूनना है ताकि सूजी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। 3 मिनट हो गए हल्की आंच पे सूजी को भूनते हुए। अब जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप से 1 कप पानी का डालना है इसमें। ये देखें, ये इस कप से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करें और इसे मिक्स करते जाएं। चम्मच मुसलसल चलाते जाएं ताकि जो हमारी सूजी है उसकी गुठलियां ना बने। पानी डालने से ये देखिए हमारी सूजी फूल गई है। सारा पानी जो है वो सूजी ने अपने अंदर अब्जर्व कर लिया, चूस लिया। क्योंकि फिर हमने ये जो आलू हमने बॉयल करके क्रशर से क्रश करके रखे है वो इसमें शामिल करने हैं। चूल्हा की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना सूजी और आलू। ये आलू अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको चम्मच चला के थोड़ा सा ठंडा करें। फिर इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। सूजी और आलू का जो बैटर है उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। अब इसके अंदर हरा धनिया ब्रीक ब्रीक काट के धो के इसमें शामिल करें और 1 अदद हरी मिर्चें। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप शामिल करें, वो ऑप्शनल है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के हैं, ये शामिल करें और इसको आटे की तरह गूंद लेना। कॉर्नफ्लोर और सूजी से ये होगा कि ये जो हमारी पोटैटो बाइट्स हैं वो क्रंची बनेंगी। सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चलिए आइए अब हम बॉल्स तैयार करते हैं। ये अब हम स्नैक रेडी करते हैं। इसके लिए हमने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया और 1 टेबल स्पून के बराबर बिल्कुल गोल बॉल्स बनाने हैं, उनमें बिल्कुल भी क्रैक ना हो। ये देखेंगे ऐसे बन गए। ये ऐसे हमने ये साइडों से दबा के तो ये पत्तियां क्रिएट करनी है, पत्तियां बनानी है। देखिए ये कितना प्यारा सा हमने स्नैक बना लिया है। इसके सेंटर में थोड़ी सी हमने कलवंजी के 4-5 दाने रख देने हैं। इतने प्यारे हमने बाकी सारे भी इसी तरह हमने रेडी करने हैं। ये कितने प्यारे से हमने पोटैटो स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। चलिए आइए अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने मीडियम टू हाई रखना है। बिस्मिल्लाह। 1-2 मिनट स्नैक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना ताकि टूट ना जाए। देखिए ये हल्के से गोल्डन हो गए हैं। अब इनकी साइड हमें चेंज करनी है। अगर हम ज्यादा हल्की आंच करेंगे तो ये सारा जो ऑयल है वो इनके अंदर चला जाएगा, इसलिए इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए ये हमारे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बाइट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। जरूर रेडी करना है और कमेंट्स में बताना है और इसको यूं ऐसे केचप के साथ एंजॉय करें। बहुत मजे के और बहुत यम्मी बने हैं, आपने जरूर ट्राई करना। अच्छा जी, इजाजत देने रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।